केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आज पार्षद नाजिया असलम ने अमन यूथ सोसाइटी के सहयोग से 1000 गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद नाजिया असलम उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस टिटोटी ठंड में गरीब असहाय को ठंड से बचाने के लिए हमने और अमन यूथ सोसाइटी के सदस्यों ने कंबल वितरण करने का निश्चय किया। हमारे वार्ड में प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया जाता है। इस वर्ष कोरोना के कारण बेरोजगारी का दर्द झेलने वाले गरीब मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर करने में जुड़े हुए हैं। ऐसे में कंबल खरीदने के लिए वैसे गरीबों के पास रकम भी नहीं है जो परिवार को इस कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए कंबल खरीदने योग्य हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद उन्हें कंबल वितरण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम के साथ अमर यूथ सोसाइटी के अध्यक्ष दीपू गाड़ी, अमन बैतुल माल के अध्यक्ष अफरोज आलम, अमन यूथ सोसाइटी के मीडिया प्रभारी नदीम इकबाल, सोसाइटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद मुन्ना, सचिव अफरोज खान आदि सदस्यों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिला जो कि काफ़ी सराहनीय है। इस मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद सह अमन यूथ सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद असलम ने कहा कि अपने वार्ड क्षेत्र के अलावा हिंद पीढ़ी के विभिन्न मोहल्लों के जनता को ध्यान में रखकर इस बार कंबलों की संख्या बढ़ाकर वितरण करने की योजना के साथ हम सभी आगे बढ़े हैं, क्योंकि पूरे विश्व के साथ बीते 2020 में हिंद पीढ़ी वासी ने कोरोना का दर्द झेला है। रांची शहर में हिंद पीढ़ी एक ऐसा इलाका है जो इस प्राकृतिक आपदा को पूरे 2.5 महीनों तक सहा है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।